हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों, आज की एक टेस्टी रेसिपी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है रमोला रसोई में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, भिंडी की सब्ज़ी बनी आज। और ये कैसे बनी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें कलर भी बराबर पड़ा हुआ है, कलर हमारी भिंडी का ख़राब नहीं हुआ है और एकदम से कुरकुरी सी बनी हुई है। और कलर का मतलब ये नहीं है कि भिंडी कच्ची है, ये देखिए बहुत अच्छे से पकी हुई है। और इस तरह कलर मेंटेन कैसे रखना भिंडी का सब्ज़ी का, तो आपको मैं आज की वीडियो में यही बताऊंगी। और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो बनाते हैं आज की कुरकुरी भिंडी एकदम कलरफुल। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आज की रेसिपी बनाते हैं। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी भिंडी है और ये भिंडी करीब आधा किलो के करीब है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाएं, जितने मेंबर के लिए बनानी है। तो ये आधा किलो की भिंडी है और इसमें मैंने हरी मिर्च भी रखी, एक हरी मिर्च भी मैं डालूंगी इसमें काट के बारीक बारीक। और भिंडी भी मैंने धो दी अच्छे से। और साथ में जो कई लोग भिंडी को ऐसे ना, इसका ये वाला पार्ट इतना इतना वेस्ट कर देते हैं, तो मैं ये कुछ नहीं वेस्ट करने वाली हूँ। मैं इसको काट के कैसे दिखाऊँगी आपको, मैं बताती हूँ आपको कैसे काटनी है। बहुत बड़ी भी नहीं रखनी, बहुत छोटी भी नहीं रखनी, क्योंकि हमको भिंडी चाहिए एकदम कुरकुरी। और इसका जो कलर ना, ये भी हमने सब्ज़ी बनाने के बाद इस कलर भी मेंटेन रखना है। तो वो सब कैसे होगा आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। और चलो बनाते हैं आज की बहुत टेस्टी भिंडी की सब्ज़ी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने भिंडी काट दी है। बहुत मोटी भी नहीं है और बहुत बारीक भी नहीं है। मोटी हमने नहीं रखनी है भिंडी, क्योंकि जो भिंडी होती है ना, उसके जो बीज वाले, जो जहाँ जहाँ इसके बीज होते हैं ना, यहाँ मसाला भरना चाहिए। तो बहुत मोटी होगी तो उसमें मसाला नहीं भरेगा। तो हमको इस तरह काट लेनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भिंडी के आगे वाले पार्ट हैं ना, लोग उसको वेस्ट करते हैं, तो मैं उसको भी वेस्ट नहीं करती, उसको भी मैं काट के डालती हूँ बारीक बारीक। और इसके लिए कुछ प्याज भी डालूँगी और प्याज भी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे काटने हैं। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट दिया है। और अब आप कहोगे कि प्याज तो बहुत बड़े बड़े काटे हुए हैं, तो बड़े बड़े नहीं हैं ये, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस काट के, और आपने क्या करना है, इसको ऐसे बस पकड़ना है और इसको हल्का सा ऐसे मसल लेना हाथ से। और उसके बाद देखो प्याज कैसा हो जाएगा। तो ये देखो, हल्के से मसलने के बाद प्याज के जो है ना, अलग अलग लच्छे एकदम अलग अलग हो गए हैं। और जो मैंने आपको एक हरी मिर्च दिखाई थी, वो भी मैंने काट के रखी हुई है। तो चलिए करते हैं बनानी आज की टेस्टी भिंडी की रेसिपी। तो इधर हमने कढ़ाई रख दी गैस के ऊपर। सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि दोस्तों सरसों के तेल में आप कोई भी रेसिपी बनाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है सरसों के तेल में। तो मैं तो सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप वो तेल यूज़ करना। तो ये सरसों का तेल है, 2 बड़े चम्मच। तो इसमें तड़के में जाएगा सबसे पहले साबुत धनिया का बीज, सरसों दाना और जीरा। बस तड़के में हमारा यही जाएगा। लहसुन भी मैं नहीं डालूंगी और प्याज भी तो ऑलरेडी कटे हुए हैं, वो भिंडी के साथ जाएंगे, पर तड़के में मैं कुछ नहीं डालूंगी। और एक और चीज़ दोस्तों, इसमें टमाटर भी नहीं डालेंगे। बिना टमाटर के आप भिंडी बना के देखो, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। टमाटर डालोगे ना तो वो अलग टेस्ट हो जाएगा, लेकिन बिना टमाटर के आप बना के देखो कभी। तो ये हमारा चटक गया है। इसके बाद हमने डायरेक्ट जो भिंडी काटी है ना, वो डाल देनी है। तो अगर आपकी भिंडी चिपची भी बनती है, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर अपनाना। देखना, ये इसमें बिल्कुल भी भिंडी चिपचिपी नहीं बनेगी। तो अब हम इसको मिला देंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि भिंडी चिपचिपी होती है, लेकिन मैं ये वाली रेसिपी आपको जो बता रही हूँ ना, ऐसे बनाने की बिल्कुल भी भिंडी चिपचिपी नहीं होगी। अब इसके साथ मैं डालूँगी सबसे पहले भिंडी, जैसे हमने डाली है ना, तो थोड़ा सा मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे नमक। सिर्फ नमक डलेगा इसमें और कुछ नहीं डलेगा। बस नमक के साथ साथ हमने जो हरी मिर्च काट के रखी है वो भी डाल देंगे अभी। और अब इसको ना हम मिला देंगे। भिंडी की सब्ज़ी बनाने का जो बेस्ट तरीका है कि आपका जो भिंडी का कलर है वो भी बना रहे और आपकी भिंडी जो है ना चिपचिपी ना हो, तो जो गैस की आंच है मीडियम टू हाई रखनी होती है। और उसमें हमने इससे जो ढक्कन बिल्कुल नहीं रखना, लास्ट तक हमने ढक्कन रखना ही नहीं है,
और भिंडी को ऐसे चलाते रहना, जैसे आपने कभी देखा होगा ना मार्केट में रेडी में आपने नूडल्स खाए होंगे ना, तो जैसे नूडल्स वाला नूडल्स बनाता है ना कंटिन्यू चलाता रहता है, तो वही हमने भिंडी के साथ करना है। इसको हमें ढकना नहीं है बिल्कुल भी, तो बस ऐसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पलटते रहना है, पलटते रहना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिखा होगा जितनी चिपचिपापन निकल रहा है ना, ये देखो इस तरह, तो जब तक ये सूख नहीं जाता ना तब तक हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखो चिपचिपी सी हो रही है भिंडी अभी, तो इसको तब तक हमने कंटिन्यू चला रहे हैं जब तक ये चिपचिपा ना सूख नहीं जाता। और जब लास्ट में भिंडी हमारी बन जाएगी आप देखना जो कलर अभी है और यही कलर हमारा लास्ट में बनने के बाद भी रहेगा, तो यही इसका मेन सीक्रेट है। तो आप देखते जाओ कैसे बनती है हमारी आज की कुरकुरी भिंडी। ये देखिए दोस्तों कंटिन्यू एक मिनट डेढ़ मिनट मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे चलाया और ये जो भिंडी में चिपचिपा सा निकल रहा था ना कोई, तो वो भी अब निकलना बंद हो गया और भिंडी हमारी हल्की सी ड्राई हो गई है। और जैसे ही इतनी ड्राई होती ना तो इस वक्त डालेंगे हम प्याज जो काट के रखा है ना, तो वो इस वक्त डाल देंगे। मसाले मसाले हमने अभी नहीं डालने, बस प्याज डालेंगे पहले। तो ये प्याज मैंने पूरा डाल दिया और प्याज के साथ भी हम एक मिनट इसी तरह भिंडी को भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आप कभी भी बना के देखना इस तरह से, आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी और ढक्कन तो रखना ही नहीं है। आप ढक्कन जो रखोगे ना तो बस भिंडी समझो कि चिपचिपी होनी शुरू हो गई। तो सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं जो भिंडी को ढक्कन लगा के पकाते हैं। बस एक मिनट हमने प्याज के साथ इसको हल्का सा इस तरह भून लेना है। और ध्यान दें कि हमने सबसे पहले नमक डाला था भिंडी में और मसाले अभी तक कुछ भी नहीं डाले। तो दोस्तों एक मिनट तक हमने प्याज के साथ ही भिंडी को भून लिया है और अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी, एक चम्मच के करीब मिक्स मसाला है ये, इसमें धनिया पाउडर भी है और गरम मसाला भी है, और थोड़ा सा लाल मिर्च, हमने हरी मिर्च भी काट के डाली हुई है तो लाल मिर्च भी स्वाद के अनुसार जाएगा। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने नमक ऑलरेडी डाला हुआ है। बस अब हमें इसको कंटिन्यू चला लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब गैस की आँच थोड़ा कम कर लेंगे क्योंकि तेज़ करेंगे तो मसाले जल जाएंगे, तो थोड़ा सा गैस की आँच कम करके इसको कंटिन्यू एक मिनट चलाना है बस। तो दोस्तों एक मिनट मसाले के साथ भूनने के बाद हमारी भिंडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों हमारी शानदार भिंडी की सब्ज़ी बन करके एकदम से रेडी हो चुकी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये भिंडी तो एकदम हरी भी दिख रही है तो शायद कच्ची होगी। मैंने ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाया, आपके सामने मैंने बनाई है, आपको दिखा के बनाई है, ढक्कन एक बार भी नहीं लगाया है, तो ये भिंडी कच्ची नहीं है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखो हल्का सा दबाओ उसको, ये देखो बहुत अच्छे से पक गई है हमारी भिंडी। तो बस आप इस तरह बनाओगे ना तो ना आपकी भिंडी चिपचिपी होगी और जैसे ढक्कन लगा के पकाते हो ना तो भिंडी का कलर भी जो है एकदम पीला सा पड़ जाता है, तो पीला भी नहीं पड़ने वाला, एकदम इस तरह से आपकी भिंडी भी हरी भरी रहने वाली है और कुरकुरी रहने वाली है। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपको कैसी लगी रेसिपी आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो। इस तरह बना के ज़रूर देखना, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्ते, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।